चलो आज के सेशन में हम लोग करें सेक्शन 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। हमारे साथ प्रीता है। प्रीता शुरू करो। एट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, अ मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन शैल नॉट बी मूव्ड अनलेस अ प्रपोजल टू मूव सच अ मोशन हैज बीन फर्स्ट अग्रीड टू एट द मीटिंग विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट। ठीक है, अब इसको सिर्फ लिटरली ट्रांसलेट करो, क्या कह रहा एट जनरल मीटिंग ऑफ अ है? कंपनी, मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कम डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स एज डायरेक्टर्स बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन। सो इन अ सिंगल रेजोल्यूशन अपॉइंटमेंट मोशन फॉर टू और मोर डायरेक्टर्स नॉट बी मूव्ड बट सब्जेक्ट टू अनलेस दिस मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर डायरेक्टर्स इन सिंगल रेजोल्यूशन इज अग्रीड एट द मीटिंग विदाउट एनी वोट फॉर दिस मोशन विदाउट ठीक एनी है, अब वोट क्यों कास्ट अगेंस्ट। एग्जांपल विजुलाइज नहीं कर पा रही इसलिए समझ नहीं पा रही। टेबल पे जा, देख 2 मिनट में समझाता हूँ। ठीक है, ये जनरल मीटिंग है राइट मूव लिमिटेड की। लिमिटेड जनरल मीटिंग सितंबर 26, 2022। उसमें स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, एंटर मार, रिजोल्व दैट। मिस्टर गौरव ठाकुर मिस्टर एंड मिस गौरव प्रीता ठाकुर जावेरी। एंड जावेरी बी एंड आई हेयर बाय अपॉइंटेड एज। by appointed as डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी company लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। rotation. ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, रिजोल्व दैट से पहले इन्वर्टेड कोमा और दैट के बाद कोमा नहीं, और अनबोल्ड कर। ठीक है, अब सितंबर 26-22, उसके आगे लिख एजीएम नोटिस, फिर लिख स्पेशल बिजनेस। AGM notice, special business. ठीक है, अब ये किसी भी जनरल मीटिंग में जो ई वोटिंग से नहीं हो रही, कोई भी रेजोल्यूशन कैसे होता है? कोई प्रपोज करता है, कोई सेकंड करता है। Yes. ठीक है, सो वो बोल रहा है कि इसके ऊपर प्रपोजल और सेकंड तभी किया जाएगा क्योंकि इस रेजोल्यूशन में दो डायरेक्टर एक साथ अपॉइंट हो रहे हैं, जबकि उससे पहले एक रेजोल्यूशन और पास किया जाए। एंटर मारो। नोटिस में आपने ऐसा लिखा था, तो बोले ये मीटिंग में पास नहीं कर सकते, प्रपोज सेकंड नहीं कर सकते जब तक आप एक और रेजोल्यूशन पास करो, रिजोल्व दैट, रिजॉल्व अप्रूवल बी एंड इज हियर बाय ग्रांटेड। ग्रांटेड। दैट के बाद कॉमा क्यों लगाती है? दैट के बाद कौन कॉमा लगाता है? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन एज डायरेक्टर थ्रू ए सिंगल रेजोल्यूशन ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर आपको जो पहला रेजोल्यूशन पास करना है तो उससे पहले ये दूसरा रेजोल्यूशन मूव करना है, जिसको कोई जिसके अगेंस्ट में जितने भी मेंबर्स, सपोज मीटिंग में 10 मेंबर प्रेजेंट थे, तो ये जो मोशन है, जब तक कोई प्रपोज सेकंड नहीं करता है मोशन ही है। ठीक है, तो इसको सपोज प्रपोज किया राम ने, सेकंड किया श्याम ने, सेकंड बाय मिस्टर श्याम एंड
चेयरमैन ने ये वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड पे खड़ा किया। चेयरमैन ठीक है, हैंड्स। अब यहाँ पे दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। 10 लोग थे, 10 में से 10 ने हाथ खड़े कर दिए, तो 10 अप्रूव और 9 अप्रूव। ओके और 9 अप्रूव। ओके तो फर्स्ट केस में जब 10 अप्रूव हुए, देन ये जो पहले वाले को 1 नंबर देते, अच्छा फर्स्ट रेजोल्यूशन ठीक है, देन रेजोल्यूशन एट सीरियल नंबर 1। कैन बी प्रपोज और सेकेंडरी बाय एनी वन। एनीवन नाइन अप्रूव, ओके देन रेजोल्यूशन एट सीरियल नंबर 1। कैन नॉट बी टेकन इन द मीटिंग। एवरीबडी ठीक है, इफ 10 अप्रूव रेजोल्यूशन नंबर 2 लिख हाँ दे। इफ 10 अप्रूव रेजोल्यूशन नंबर 2। टू और नाइन अप इफ नाइन अप रेजोल्यूशन कैन नॉट बी टेकन एट मीटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने अपना टाइम बचाने के लिए दो डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन में डाल दिया, यस तो वो बोलता है कि मल्टीपल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट एक रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं हो सकती जब तक आप एक और रेजोल्यूशन ना पास करो जिसमें ये अथोराइजेशन लो कि हाँ हम दो को एक से ही करेंगे, और उसको अच्छा तो मीटिंग के सब लोग फर्स्ट प्रेजेंट करने चाहिए। अब नीचे जो लिखा है उसको पढ़ो, देखो आपको समझ आएगा, सेक्शन पढ़ोगे। एट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी अ मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मींस गौरव एंड प्रीता बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन शैल नॉट बी मूव्ड मींस सीरियल नंबर 1 विल नॉट बी अलाउड अनलेस प्रपोजल टू मूव सच अ मोशन एज फर्स्ट बीन अग्रीड टू एट द मीटिंग विदाउट एनी वोट बीन कास्ट। मतलब पहले सीरियल नंबर 2 पहले एक वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होगा टू मूव द फर्स्ट रेजोल्यूशन एंड इफ ऑल 10 मेंबर्स अग्री देन सेकंड रेजोल्यूशन विल बी पास्ड। कुछ भी उल्टा बोले जा रही है। नहीं सर मैं नहीं समझी वापस आप रिपीट कर सकते हो। अभी एजीएम नोटिस में एक ही लिखा था रेजोल्यूशन। हाँ बराबर अब आप गई तो शेयर होल्डर बोला कि आप ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 162 अनलेस आप प्रोसीजर फॉलो करो। तो प्रोसीजर क्या है कि मीटिंग में कोई मेंबर ये प्रपोजल मूव करे कि हाँ हम दो लोगों की अपॉइंटमेंट एक रेजोल्यूशन से मूव करते हैं, तो मीटिंग में कोई शेयर होल्डर सेकंड नंबर रेजोल्यूशन मूव करेगा। अच्छा अब ये जो रेजोल्यूशन मूव टू करेगा इसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर उस मीटिंग में प्रेजेंट सारे मेंबर एग्री किए तभी वो आइटम ले सकते हैं एक हाँ नंबर की। तो ओके रिटर्न नोटिस में आपके पास सिर्फ एक ही आइटम थी, हाँ लेकिन वो एक आइटम क्योंकि डबल दो लोगों के लिए थी और सेक्शन मना करता है दो लोगों को एक साथ अपॉइंट करने के लिए, अनलेस आप ये प्रोसीजर फॉलो करो कि मीटिंग में एक और रेजोल्यूशन पास करो जिसमें इस चीज को ऑथराइज करो, और उसके बाद फिर एक नंबर को नॉर्मल रेजोल्यूशन की तरह पास करो कि कौन प्रपोज कौन सेकंड एंड शो ऑफ एंड पास नहीं। ओके समझ गए अभी नीचे से पढ़ो और आप समझो क्या कर। तो जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स एज डायरेक्टर्स बाय सिंगल रेजोल्यूशन तो एजीएम नोटिस में अपॉइंटमेंट फॉर टू पर्सन्स वर देयर दिस रेजोल्यूशन विल नॉट बी मूव्ड अनलेस प्रपोजल टू मूव सच अ मोशन एज फर्स्ट बीन अग्रीड टू एट द मीटिंग विदाउट एनी वोट सो प्रपोजल बाय राम सेकंडेड बाय श्याम फॉर वोटिंग बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स क्या शो इफ फ्रेंड, ऑल सेकंड पढ़ती क्यों नहीं? जो सामने लिखा उसको पढ़ती क्यों नहीं? 2 नंबर के रेजोल्यूशन को पढ़ क्यों नहीं रही? मुझे ये कंफ्यूजन हो पर रहा आप 2 नंबर के है रेजोल्यूशन को पढ़ क्यों नहीं रही? जो प्रपोजल उसमें लिखा है टू बी मूव, तो शो ऑफ हैंड कहाँ से पढ़ रही हो? कहाँ दिख रहा है आपको शो ऑफ हैंड रेजोल्यूशन में सेकंड रिजॉल्व नंबर? दैट अप्रूवल बी एंड इज हियरबाय ग्रांटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन एज डायरेक्टर थ्रू अ सिंगल रेजोल्यूशन दिस रेजोल्यूशन इज टू बी सेट प्रपोज इज प्रपोज बाय मिस्टर राम एंड सेकंडेड बाय मिस्टर श्याम
ये रेजोल्यूशन पहले पास होगा, ये रेजोल्यूशन हुँ, के लिए वोटिंग होगा ना बाय शो ऑफ हुँ, हैंड्स। हुँ, इस सेकंड रेजोल्यूशन के लिए इफ ऑल 10 मेंबर्स अप्रूव हुँ, देन रेजोल्यूशन नंबर 1 कैन बी पास। हुँ, एंड इफ ओनली 9 मेंबर्स अप्रूव देन द फर्स्ट रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास। तो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन पढ़ो और अब समझाओ। जनरल मीटिंग मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स एज डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी बाय सिंगल रेजोल्यूशन ऑन अ सिंगल रेजोल्यूशन इफ टू और मोर डायरेक्टर्स विल नॉट बी मूव्ड अनलेस प्रपोजल टू मूव सच अ मोशन हैज फर्स्ट बीन अग्रीड एट द मीटिंग। सो अनलेस सेकंड रेजोल्यूशन इज अप्रूव्ड फर्स्ट रेजोल्यूशन कैन नॉट बी अप्रूव्ड। वो ही कह रहा है ना सर, फर्स्ट अनलेस सेकंड रेजोल्यूशन इज अप्रूव्ड फर्स्ट रेजोल्यूशन कैन नॉट बी अप्रूव्ड। तो इसका ट्राई मतलब क्या करना हो गया प्लीज। तो कि जनरली पहले आपको इसका मतलब ये हो गया, हेडिंग पे जाओ, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, एक रेजोल्यूशन में एक ही डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करो। ओके अगर आप एक से ज्यादा करोगे तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर ठीक है। अब जहां पे ई वोटिंग होती है वहां ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाएगा, ई वोट क्यों ऐसा? अच्छा क्योंकि तो रेजोल्यूशन आपने ऑलरेडी दे दिया। मीटिंग में कौन प्रपोज कर सकता है कोई नया रेजोल्यूशन? ओके तो वो रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। तो अगर आपको किसी कंपनी के जनरल मीटिंग में ऐसा लिखे कि दो लोगों को एक साथ अपॉइंट कर दिया, हाँ, तो आप बोलना कि ये गलत है। अच्छा अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है किसको तो अपनी कंपनी देखना, ठीक है, दिस 8 मार्च की। अपॉइंटमेंट ओनली फॉर फिजिकल मीटिंग्स एंड नॉट फॉर ई वोट बिजनेस हेल्थ। ठीक है, आगे पढ़ो। यस अ रेजोल्यूशन मूव्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी वॉइड whether or not any objection was taken when it was moved। सब ने एक रेजोल्यूशन डाला दोनों की अपॉइंटमेंट का और आपने पास भी कर दिया, तो भी वो रेजोल्यूशन वॉइड रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन अच्छा विदाउट द सेकंड रेजोल्यूशन बीइंग अप्रूव्ड अगर आपने फर्स्ट पास कर दिया तो हाँ, तो कोई ऑब्जेक्शन लो या नो, वो रेजोल्यूशन वॉइड है, तो अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो वैलिड नहीं होगी। एनी अपॉइंटमेंट मेड विदाउट पासिंग रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन अ मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट और फॉर नॉमिनेटिंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज अ मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। अप्रूविंग अ पर्सन और फॉर नॉमिनेटिंग अ पर्सन तो मतलब बेसिकली आप मोशन फॉर रेजोल्यूशन में अपॉइंटमेंट कैसा का भी आउटकम लिखो, ना। मोशन हो गया बिना जो चीज प्रपोज नहीं हुई अभी तक उसको मोशन बोलते हैं ना। जो अच्छा रेजोल्यूशन आप डालते हो वो अच्छा मोशन है, जब कोई प्रपोज ओके करता है तो अच्छा उसको मूविंग बोलते हैं। मूव ये करने के लिए टर्म्स प्रपोज और मुझे सेकंड आई होता है। ओके सो मोशन इंप्लाइज मोशन विदाउट प्रपोजर एंड सेकेंडर, जब प्रपोज सेकेंड हो गया तो मूव हो गया, फिर वोटिंग होगी, फिर पास हो गया। proposer and seconder moving implies प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड yes proposed and seconder एंड पासिंग हो गया, and शो ऑफ हैंड pass या पोल। show of hands and error ठीक है, इसमें जो भी लिखा है कोई इसमें vote। आपको ऑप्शन नहीं है ना, इफ एंड बट नहीं है। अगर आपने ऐसा मल्टीपल रेजोल्यूशन पास किया तो वो वॉइड है, लॉ कहता है वो वाइड है, वाइड है, वाइड है। और आप उसको कैसे भी बोल दो, नो बी एंड इज हियरबाय नॉमिनेटेड, बी एंड इज हियरबाय अप्रूव्ड, दैट विल बी ट्रीटेड एज मोशन ओनली फॉर अपॉइंटमेंट विच विल नॉट ठीक बी वैलिड। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक क्लियर है? गॉट इट अब इस यस ये फटाफट इसको क्लियर है। समरी में बता दे कि 162 क्या कह रहा है, बिफोर एंड आफ्टर, किससे पहले मालूम था क्या कह रहा है।
नहीं, अभी अभी हाँ क्लियर हो गया कि दिस फर्स्ट सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू मीटिंग्स हेल्ड फिजिकली एंड नॉट थ्रू ई वोटिंग. सेकंड एस्पेक्ट कि व्हेन एजीएम नोटिस कंसिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली वन डायरेक्टर एंड एक्चुअली टू डायरेक्टर्स हैव टू बी अपॉइंटेड एज सिंगल रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू डायरेक्टर्स इन अ सिंगल रेजोल्यूशन विल नॉट बी अलाउड अनलेस रेजोल्यूशन इन सीरियल नंबर टू इज पास्ड बाय ऑल मेंबर्स. इफ इट इज पास्ड बाय ऑल मेंबर्स देन रेजोल्यूशन नंबर वन विल बी पास्ड एंड इफ रेजोल्यूशन नंबर टू इज नॉट पास बाय ऑल मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन नंबर वन विल नॉट बी पास्ड. उसके आगे क्या लिखा था 2 और 3 में? फिर टू और थ्री में अप्रूव समरी में दिख नहीं रहा, लिखो अप्रूव समरी में कि रेजोल्यूशन वॉइड इफ प्रोसीजर नॉट फॉलोड। सिचुएशन इज नॉट फॉलोड. ठीक है, नॉमिनेटिंग यस, अप्रूविंग अपॉइंटमेंट इज ट्रीटेड एज मोशन फॉर अपॉइंटमेंट। नॉमिनेटिंग और अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट नॉमिनेटिंग ट्रीटेड एज मोशन फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब बेसिकली आप कैसे भी वर्ड करो मोशन को अरे भी ट्रीटेड एज मोशन फॉर अपॉइंटमेंट. क्लियर? फिर उसके बाद व्हाट डज मोशन इम्प्लाई विदाउट नॉट प्रपोज्ड एंड नॉट सेकेंडेड. व्हाट इज मूविंग इम्प्लाई व्हाट डज पासिंग ऑफ मोशन इम्प्लाई वो देखा. और सर ये मुझे समझ में नहीं आया जैसे सेकंड पार्ट में अप्रूवल ग्रांटेड ओके पहले ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए तो इसमें पास बाय ऑल मेंबर्स ना कि यस, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स. ऑल ऑल तभी लिखा ना, 10 में से 10। ओके और एक ने भी डिसेंट किया देन देन रेजोल्यूशन ऑफ सीरियल नंबर वन विल नॉट बी पास्ड. Can this provision is applicable and resolution if procedure not followed will be void. Any term you use for nominating, approving appointment will always be treated as motion for appointment. क्लियर ठीक है, बंद करो। है. यस यस 163 भी छोटा सा ही है टाइम है तो ये कर छोटा खत्म नहीं, कर बहुत सकते बड़ा है हैं. वो। अच्छा ओके सिंगल ट्रांसलेबल वोट और कम्युलेटिव वोटिंग क्या नहीं होती है? हाँ, नहीं पता मतलब दिखने में साइज में छोटा है बट ये समझ में पूरा नहीं वोट का मैथमेटिकल वहां का. सेक्शन है। ओके ठीक है इसको नेक्स्ट सेशन में लेकर